अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहि व्यूअर्स इस लेक्चर में हम फंक्शन और उसकी लफलास ट्रांसफॉर्म का ग्राफिकल डिफरेंस स्टडी करेंगे ग्राफिकल डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड इस लफलास ट्रांसफॉर्म बुक ट्रांसफार्मू फॉलो करंट लेक्चर इज़ यूजुलॉर बी ए बी एस सी मैथमेटिक्स एर्स बी एस मैथमेटिक्स

और उस ग्राफ को देखते हुए फंक्शन की लपलास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है ओबियसली हमारे पास दो टास्क हैं सबसे पहले हम इस ग्राफ की मदद से फंक्शन अवेलुएट करेंगे कि फंक्शन क्या है पहले फंक्शन फाइंड करेंगे कि फंक्शन क्या है दूसरा ये है कि फिर उसके बाद उसकी लपलास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करेंगे और डिफरेंस पर हमारे सामने आ जाएगा कि फंक्शन का ग्राफ तो ये दिया हुआ है और लपलास ट्रांसफॉर्मेशन का ग्राफ क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द द फंक्शन विद हेल्प ऑफ दिस ग्राफ अगर आप बड़े गौर से इस ग्राफ का जायजा लें तो जीरो से लेके वन तक ये ग्राफ जो है लाइन टी एक्सिस एक्सिस के ऊपर है F t ये है ऑफ ये आप अगर इसको समझें एक लम्बे के लिए वाई एक्सिस समझें तो आपको याद होता है कि एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू जीरो होती है तो ये इसी तरह ये टी एक्सिस के ऊपर एफ ऑफ टी की वैल्यू जीरो होगी तो हमें नजर आ रहा है कि जीरो से लेके वन तक जब टी जाएगा तो एफ ऑफ टी की वैल्यू जीरो होगी उसके बाद जब आप वन पे आते हैं टी वन से ऑनवर्ड जाता है यानी टी वन से ऑनवर्ड जाता है तो आपको ग्राफ ये वाला नजर आ रहा है इस ग्राफ की खूबी यह कि इसके दो पॉइंट्स दिए जा चुके हैं एक पॉइंट तो ये है जो जिसके कोऑर्डिनेट्स वन वन होंगे और दूसरा पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स थ्री थ्री हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स हम लगा के इसका फार्मूला भी मालूम कर सकते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स अगर आपको याद है वो क्या होती है ये जरूर फर्क है कि यहाँ अब वाई की जगह एफ ऑफ टी आएगा और वाई वन की जगह ये वाला पॉइंट वाई वाला कोऑर्डिनेट जो एफ ऑफ टी वाला है

यहाँ से एफ ऑफ टी की वैल्यू आ गई टी ये किस रीजन के लिए है जब टी वन से ऑनवर्ड जा रहा है जीरो से लेके वन तक एफ ऑफ टी की वैल्यू जीरो है अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास जो ग्राफ बन बनता है फंक्शन बनता है वो ये बनता है जैसे मैंने बताया था जीरो से लेके कर वन तक टी ट्रेवल करेगा तो एफ ऑफ टी की वैल्यू ज़ीरो होगी और ये आपके अब सामने है ये एफ ऑफ टी की वैल्यू ज़ीरो है कब जब टी ज़ीरो से लेके कर वन तक है और वो आपको ग्राफिकली यहाँ पे नज़र आ रही थी और जैसे ही टी वन से बढ़ जाए तो फिर ये वाला लाइन ये वाली लाइन है और उसकी हमने को यह निकाली देन वन तो यहाँ हमें ये सारा जो है सीनारी क्लियर हो गया अब हम जरा फंक्शन चूँकि हमारे सामने आ गया है तो फंक्शन को यानी ग्राफ की मदद से हमने फंक्शन फाइंड कर लिया है अब इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करते हैं लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी का क्या फार्मूला था जीरो टू इनफिनिटी ई रेस पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी यही फार्मूला था लेकिन अब जीरो से इनफिनिटी तक तो डर इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकेंगे हमारा फंक्शन सेपरेट टू टू पार्ट्स में जीरो से लेके वन तक और वन से ऑनवर्ड तो हम जीरो से इनफिनिटी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं इंटीग्रल को जीरो टू वन एंड वन टू इनफिनिटी अब जीरो टू वन तो फंक्शन जो है वो जीरो है और वन टू इनफिनिटी फंक्शन की वैल्यू टी है तो ये गौर करें कि ये वाला जो इंटीग्रल वाला पोर्शन था ये इसकी वजह से चूँकि यहाँ पे एफ ऑफ टी जीरो है जीरो और वन जब टी जीरो से लेके वन तक जाता है एफ ऑफ टी जीरो है तो फिर ये तो इंटीग्रल सारा ही गया और जब आपका जो है एफ ऑफ टी वन से है तो इस एफ ऑफ टी की वैल्यू जो है वो टी है इसलिए ये रह गया बाकी सारा निकल गया इसकी बार इंटीगेशन बाई पार्ट्स अब करनी है और आपको पता है कि इंटीगेशन पार्ट्स में ई रेस पर माइनस एस टी को हम सेकेंड फंक्शन रखेंगे और टी को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे सेकेंड फंक्शन जिसे रखते हैं उसकी इंडिशन करनी पड़ती है तो इसकी रिस्पेक्ट टू तो टी इंडिक्शन करेंगे तो ई रेस पर माइनस एस टी और माइनस एस आएगा चूँकि पावर का डायरेवेटर लेंगे रिस्पेक्ट टू टी तो आ जाएगा माइनस एस और फर्स्ट फंक्शन टी एज इट इज़ फिर सेकेंड फंक्शन की इंडिक ई रेस पर माइनस एस टी और माइनस एस और फंक्स फर्स्ट फंक्शन टी जो है उसका डेरेवेट वो वन आ जाता है इसके बाद क्या होता है अपर लिमिट लगाते हैं हम ई रेस पर यहाँ पे लगाएंगे यह रेस पर माइनस जीरो हो जाएगा ये शुरू वाले लेक्चर में मैंने समझाया हुआ है कि कैसे इसके ऊपर अपर लिमिट लगाते वक्त रूल रूल हम अप्लाई करें तो ये जीरो बन जाता है तो आपको चाहिए कि शुरू वाले लेक्चर देख लें कि ये वाली लिमिट कैसे मैंने कैलकुलेट वहां पे की थी एनी हो ये जीरो हो गया और लोअर लिमिट जब आप टी की जगह वन लगाएंगे तो ये आ जाएगा ई रेस पर माइनस एस और इसके बाद इसकी जो है अभी तो इंटीगेशन नहीं की है माइनस माइनस प्लस आ गया वन और एस इंटीग्रेशन की तो आपके पास आ जाएगा ई रेस पर माइनस एस टी और माइनस एस फिर अपर लिमिट लगाई ई e के बाद माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस पर माइनस एस लोअर लिमिट लगाने के बाद तो आफ्टर द देशन वी गेट दिस रिजल्ट यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑफ जो कि कैपिटल एफ ऑफ एस होती है वो ये आई है एस प्लस वन इन पर माइनस एस ओवर एस स्क्वायर इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर फ्राम पॉइंट वन टू पॉइंट फाइव तो वो ग्राफ ये बनता है ये आपका पहले टी एक्सिस था और ये एफ एफ टी था स्मॉल एफ एफ टी अब ये टी एक्सिस नहीं रहा बल्कि एस एक्सिस है और ये वाला आपका एफ एफ एस है जो कि लपलास ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये ग्राफ आप देख लें कि इंटायरली चेंज हो गया पहले स्ट्रेट लाइन थी फंक्शन का जो एफ एफ टी जो था गिवन फंक्शन था उसका ग्राफ जो था वो स्ट्रेट लाइन थी लेकिन अब जो हुआ है इसका ग्राफ जो है वो एक कर्व आई है Just entirely different. So, this is uh, exactly what we want to uh, discuss: that the graphical difference of the function and its Laplace transform.